दोस्तों, ये तो आप मेरी पिछली वीडियो से जान चुके होंगे कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दुनिया में सबसे पहले बिजली के कड़कने के कारणों को उजागर करने का प्रयास किया था तथा उसमें कामयाब भी हुए थे। फ्रैंकलिन ने एक ऐसी विधि भी विकसित की थी जिससे विशाल भवनों को बादलों से उत्पन्न होने वाली बिजली से बचाया जा सकता था। विज्ञान के क्षेत्र में इतना ही नहीं, बिजली के क्षण, बाइफोकल ग्लास, फ्रैंकलिन स्टोव, गाड़ी के ऑडोमीटर और ग्लास आर्मोनिका के आविष्कार का श्रेय भी फ्रैंकलिन को ही दिया जाता है। अमेरिकी इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन एक राजनेता, लेखक, प्रकाशक, वैज्ञानिक, आविष्कारक और राजनयिक भी थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की महान शख्सियत बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनके आविष्कार के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बॉस्टन के मिल्क स्ट्रीट में 17 जनवरी 1706 ईस्वी को पैदा हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग उनके कीर्तिमानों तथा उनके आविष्कारों के लिए याद करते हैं। फ्रैंकलिन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उससे भी कहीं बड़े राजनीति विज्ञानी और राजनीतिक थे। उनके सबसे चर्चित कार्यों में से अमेरिका के एक राष्ट्र के रूप में विचार का पूरी शक्ति से समर्थन करना रहा है। आपको बता दें कि इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता होने का भी दर्जा प्राप्त है। बेंजामिन के पिता जॉर्जिया मोमबत्ती और साबुन का कारोबार करते थे। पिता की 2 पत्नियां थीं और 15 बच्चे थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉस्टन के एक लैटिन स्कूल से शुरू की। सीखने की ललक थी इसलिए बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ काम में लग गए। पिता की फैक्ट्री में काम करने से उनकी अपनी कल्पना की उड़ानों में कोई कमी नहीं आई और वो कम उम्र में ही बड़ा सोचने लगे तथा उसको पूरा करने के लिए खुद को उस काम में भी झोंक दिया। इसी क्रम में उन्होंने महज 12 साल की उम्र में अपने भाई के साथ प्रिंटिंग का कारोबार भी शुरू कर दिया। भाई के साथ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस तो खोल ली लेकिन बड़े भाई से हमेशा अनबन बनी रही। कई दफा बड़े भाई ने फ्रैंकलिन के साथ बुरा बर्ताव भी किया। हालांकि भाई का लगातार बुरा बर्ताव उन्हें परेशान कर रहा था। आखिरकार इससे छुटकारा पाने के लिए बेंजामिन 1723 में बॉस्टन भाग गए। जब बेंजामिन बॉस्टन गए तो उनके जीवन में एक नई घटना घटित हुई। यहाँ उन्होंने जॉन रीड नाम के एक व्यक्ति के मकान में रहना शुरू कर दिया। यहीं उनकी जॉन रीड की बेटी देबा रो से मुलाकात के साथ प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई। इसके बाद बेंजामिन ने देबा रो से शादी कर ली। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही शादी टूट गई लेकिन 1730 में उन्होंने फिर से देबा रो को अपनी पत्नी बनाया। बेंजामिन शादी के बाद फिलाडेल्फिया में बस गए और पूरी शिद्दत के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो लगातार सफलताओं की ओर अग्रसर होते चले गए। उन्होंने तमाम उठापटक के बीच पेंसिल्वेनिया में अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर लिया और दी पेंसिल्वेनिया गजट का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर एक दिन फ्रैंकलिन ने देखा कि आकाश में बिजली कड़कने से कई इमारतों को क्षति पहुंचती है। फिर गया था फ्रैंकलिन ने भवनों को इस कड़कती बिजली की चपेट में आने से बचाने के लिए तरकीब सोचनी शुरू कर दी। फिर जब उन्हें कुछ आइडिया नजर आया तो उन्होंने अपना प्रयोग भी शुरू कर दिया। फिर एक दिन शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़कने का अद्भुत संयोग था। ऐसे में उन्होंने रेशम के रुमाल और लकड़ी की पट्टियों से बने एक क्रॉस का प्रयोग करके एक पतंग तैयार की। पतंग के एक सिरे पर लकड़ी की खड़ी पट्टी के बाहर तक निकला एक लोहे का तार बांध दिया। इस पतंग को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए धागे के एक सिरे पर सिल्कन का रिबन बंधा हुआ था और धागे व सिल्कन रिबन के बीच लोहे की एक चाबी लगा दी गई थी। अब पतंग तैयार थी और उसे कड़कती बिजली और तेज बारिश में उड़ाना था। इस प्रयोग में बिजली से बचने के तमाम उपाय किए गए थे। हालांकि इसमें जान का भी खतरा था। आसमानी बिजली इंसान को जलाकर राख कर सकती थी लेकिन सभी खतरों को दरकिनार करते हुए उन्होंने 1752 ईस्वी में अपने पतंग और चाबी के प्रयोग को कर दिखाया। इस प्रयोग के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली चमकना वास्तव में एक प्राकृतिक विद्युतीय डिस्चार्ज प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बेंजामिन ने विशाल भवनों को बिजली से होने वाली हानि से बचाने के लिए कारगर उपाय ईजाद कर लिया जिसका प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किया जाता है। ये विधि कहती है कि लोहे की एक पतली लंबी छड़ होनी चाहिए जिसका एक सिरा गीली जमीन में 3-4 फुट नीचे हो और दूसरा भवन के सबसे ऊंचे भाग से 6-7 फुट ऊपर निकल रहा हो। छड़ के दूसरी छोर पर नुकीले सिरे वाला तकरीबन 1 फुट लंबा पीतल का पतला तार बांध दिया जाए। भवन में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए तो उसको बिजली से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है क्योंकि अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो वो इस पीतल के तार से टकराकर छड़ से होती हुई सीधे जमीन में चली जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई आविष्कार किए थे। उन्होंने द फ्रैंकलिन स्टोव का भी निर्माण किया जो कि खाना बनाने के कार्य में आता है। फ्रैंकलिन ने ऑडोमीटर का आविष्कार किया जिसका उपयोग किसी भी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी नापने में किया जाता है। फ्रैंकलिन ने बायोफोकल लेंस का भी निर्माण किया जिसके उपयोग से नजदीक और दूर की वस्तुओं को एक साथ देखना संभव हो पाया। बेंजामिन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने महासागर की गति का अध्ययन किया था। उन्होंने महासागर की गहराई, तापमान और धारा की गति को भी मापा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका की पहली लाइब्रेरी खोलने का श्रेय भी दिया जाता है। फ्रैंकलिन ने दास प्रथा यानी कि गुलामी प्रथा का जोरदार विरोध किया था इसलिए उन्होंने अपने अंतिम समय में गुलामों को रिहा किया। फ्रैंकलिन ने कभी भी अपने आविष्कारों को पेटेंट नहीं करवाया क्योंकि वो चाहते थे कि इनका आम लोग फ्री में इस्तेमाल करें।
वो एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान राजनेता भी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने अमेरिका को ब्रिटेन औपनिवेशक से आजादी दिलाई। दुनिया बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जानती है। आपको बता दें, जिन पांच व्यक्तियों ने अमेरिका की आजादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थे। अमेरिका के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का बहुत बड़ा योगदान था। जिस ऐतिहासिक पेरिस संधि के बाद अमेरिका को आजादी मिलने का रास्ता साफ हुआ था उस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के हस्ताक्षर थे। फ्रैंकलिन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी रहे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बुद्धिजीवी वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ लेखन भी किया था। उनके द्वारा रचित लेखों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बेंजामिन कई और प्रमुख प्रतिभाओं के भी धनी थे। वो शतरंज का एक जाना पहचाना नाम थे। इसी के चलते फ्रैंकलिन का नाम अमेरिकी चेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके अलावा फ्रैंकलिन मशहूर राजनीतिक भी रहे। अमेरिका में अपनी राजनीति के दिनों में वो कई राजनीतिक उपलब्धियों जैसे कांग्रेस का सदस्य बनना, अमेरिका की तरफ से फ्रांस और स्वीडन में आयुक्त बनना, अमेरिका का पहला पोस्टर मास्टर जनरल बनना, ऐसी कई उपलब्धियों को प्राप्त कर पाने में वो सफल रहे। 1785 तक फ्रांस में रहकर उन्होंने अपने देश का कामकाज बड़ी कुशलता व बुद्धिमता पूर्वक संभाला। अमेरिका लौटने पर बेंजामिन फ्रैंकलिन को जॉर्ज वाशिंगटन के बाद दूसरे स्थान का सम्मान मिला और फादर ऑफ अमेरिका की श्रेणी में शामिल किया गया। इसके कुछ साल बाद ही 17 अप्रैल 1790 को इस महान वैज्ञानिक की मौत हो गई। फ्रैंकलिन के अद्भुत आविष्कारों और उपलब्धियों के साथ साथ मानवता की भलाई के लिए किए गए उनके काम एक अहम जगह रखते हैं और जिन्होंने बेंजामिन को एक महान व्यक्ति भी बनाया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।